अमोल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज ट्रेडिंग रणनीति आपकी क्या होगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक LTIM अच्छा लग रहा है। IT स्टॉक पे फोकस है। 5865 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली थोड़ा टाइम ले सकता है। 6100 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 5750 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक एक करेक्शन पूरा करता हुआ दिख रहा है स्टॉक डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। आई थिंक यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लेवल है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ये स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक मॉइल के साथ जाना चाहूंगा। 330 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट 350-355 के निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस है उसका 320 का। आई थिंक टाइम वाइज भी करेक्शन स्टॉक पूरा करता हुआ दिख रहा है। 2 महीने का करेक्शन था और प्राइस वाइज भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, तो लेवल्स प्रॉमिसिंग है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है मॉइल में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। मेटल सेक्टर से मॉइल पर खरीदारी की राय 350 से 355 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ अमोल ने LTI माइंडट्री पर भी खरीदारी की राय दी है 6100 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। अमित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? रिकमेंडेशन रहेगा वो है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक में हम देखे यहाँ से जो वीकली चार्ट में इनवर्स एंड शोल्डर की पैटर्न बनते हुए देखने मिले, साथ ही साथ हम देखे डेली चार्ट में डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है और वॉल्यूम पिछले एक हफ्ते के अंदर अच्छा खासा एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। इसके कारण मुझे लग रहा है काउंटर ब्रेकआउट के ऊपर एक अच्छा खासा स्टेबल आज के दिन में रहते हुए देखने मिल रहा है। सो लॉन्ग की पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए। अपसाइड है जो हिसाब से हम देखे यहाँ से मोमेंटम के हिसाब से मुझे लग रहा है 240-242 का लेवल हमें एक दो दिन के अंदर देखने मिल सकते हैं। बट अगर हम 1-1.5 महीने के व्यू के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से 260-270 के रेंज में तक भी ये काउंटर जा सकते हैं। सो 215 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 240 के टारगेट के लिए। पहला बाय कॉल रहेगा करोड़ रुपए का। जो सेकंड बाय कॉल है वो है GMDC लिमिटेड। GMDC लिमिटेड हमने पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमारे शो पे दी है कंटिन्यू से, उसमें टारगेट भी अचीव होते हुए देखने मिले हैं। करंट भी से मैं कहूंगा वापस लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। काउंटर में मोमेंटम इंटेक है जो हिसाब से हम देख रहे हैं, तो अप ट्रेंड में काउंटर चलते हुए देखने मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से, वो हिसाब से लग रहा है यहाँ से जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है और एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए देखने मिल रहा है, वही हिसाब से लग रहा है अपसाइड में 390 से 410 के रेंज में काउंटर आने वाले दिनों में जाते हुए देखने मिल सकते हैं। 350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 390 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल। तो माइनिंग सेक्टर से GMDC पर खरीदारी की राय दी है और याद रखिए अभी अभी अमोल ने भी माइनिंग सेक्टर से मॉइल पर खरीदारी की राय दी थी। और इसी के साथ करूर व्यासा बैंक, यहां पर भी खरीदारी की राय है अमित की तरफ से 240 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इस बीच ऑटो शेयरों पर नजर डाल देते हैं। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी पिटाई हुई थी सभी ऑटो स्टॉक्स की। मारुति सुजुकी के नतीजे आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी निकल कर आई, लेकिन आज देखें तो सभी स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अब सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और मारुति कल के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट दिखी थी पूरी तरह से सब लॉसेस रिकवर हो चुके हैं। 3.5% की तेज़ी के साथ ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, सभी स्टॉक्स में 2 से 3% की तेजी है। अमित, क्या राय होगी ऑटो सेक्टर पर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जहां पर खरीदारी के मौके फ्रेश पोजीशंस के लिए बन सकते हैं? से तो ऑटो इंडेक्स हम देखें तो 200 DMA का इंडेक्स है सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। 23,400 के लेवल पे सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है और वहां से अच्छा खासा एक पुल बैक बनते हुए देखने मिल रहा है। सो अभी नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग हम देखें यहाँ से ओवरऑल इंडेक्स के लिए तो 23,400 के नीचे जाते हैं, उसके बाद ही हमें यहाँ से सेलिंग वापस देखने मिल सकती है। और अपसाइड में उसके पहले यहाँ से 23,800 के ऊपर या ये इंडेक्स क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है वहां से अच्छी खासी बाइंग बनती हुई देखने मिल सकती है और शॉर्ट कवरिंग की रैली स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे देखने मिल सकती है। सो लॉन्ग की पोजीशन ओवरऑल हम ऑटो काउंटर में सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सिलेक्टिव काउंटर हम देखें यहाँ से ऑटो का तो मारुति अच्छा लग रहा है यहाँ से, जो हिसाब से हमने देखा तो फॉल 13,500 के लेवल से जो फॉल आता है देखने में उसके सामने अच्छी खासी एक रिकवरी आज के दिन में देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से काउंटर 11,330 का एक ब्रेकआउट लेवल था जिसके ऊपर हम देखे तो सुबह से एक मेंटेन करके रखा है। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मारुति में। अपसाइड में मुझे लग रहा है यहाँ से 11,700 से 11,800 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 11,700 से 11,800 तक के लेवल्स मारुति सुजुकी पर दिखाई दे सकते हैं। याद रखें स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन एक छोटे से